माइलेज टेस्ट, वो भी स्पोर्ट्स मोड पर। 12 बजते साथ ही सारा डाटा यहाँ से गायब हो चुका है। तो दोस्तों अगर टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक वीडियो, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं ओला S1 Pro जनरेशन 2 का माइलेज टेस्ट, वो भी स्पोर्ट्स मोड पर। तो अभी तक हमने जो किया था इसका हाइपर मोड पे किया था, और आज हम करने जा रहे हैं इसका स्पोर्ट्स मोड पर रेंज टेस्ट, ये कितनी रेंज देगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हम जो है हम दो लोग हैं, मैं हूं और मेरा छोटा भाई है। तो मेरा वेट करीब 65 के आसपास है, उनका 57 के आसपास है। तो हम दोनों इस ओला स्कूटर पर बैठकर इसका रेंज टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि ये स्पोर्ट्स मोड पर कितना बैकअप देगा। तो यहां आपको जो देखने मिलेगा वो मिलेगा स्पोर्ट्स मोड पर बिल्कुल ट्रू रेंज और जेन्युइन रेंज। तो बस दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, अभी हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगाने के बाद आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में कैसा रहता है। तो दोस्तों ओला हमारी चार्ज हो चुकी है, ये आप देख ही सकते हैं 100%, और लिखकर भी आ चुका है अनप्लग नाउ। तो अभी हम इसको अनप्लग करेंगे, और मैं इसके अलावा बता देता हूँ कि इसके जो फ्रंट व्हील में एयर प्रेशर है वो है 45 PSI, और जो इसके रियर व्हील में प्रेशर है वो है करीब 50 PSI, क्योंकि वो मैंने अभी इससे चेक कर लिया है। और हम अपनी ओला के साथ जो कैरी कर रहे हैं वो सिर्फ इसका चार्जर कैरी कर रहे हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें कैरी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वजन भी इसके बूट स्पेस में ज़्यादा नहीं है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसकी ऑल टाइम रीडिंग है वो 12435 किलोमीटर है। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ व्हीकल स्टेटस की, तो व्हीकल स्टेटस में हमें दिखा रहा है इको मोड पर 180 किलोमीटर, नॉर्मल पर 143, स्पोर्ट्स पर 125, हाइपर पर 100 किलोमीटर। तो अभी हम स्पोर्ट्स मोड पर इसकी रेंज को टेस्ट करने वाले हैं, और स्पोर्ट्स मोड का मतलब है सिर्फ स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि बैटरी हीट होने के बाद नॉर्मल मोड पर स्विच हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग वेट करेंगे, और वेट करने के बाद फिर स्पोर्ट्स मोड पर ही हम चलेंगे। तो आज हम इसके बिल्कुल ट्रू स्पोर्ट्स मोड की रेंज को हम टेस्ट करके दिखाएंगे। इसके अलावा बैटरी आप देख सकते हैं 35 डिग्री, और मोटर 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है अभी। और टुडे राइड की अगर बात कर ली जाए तो अभी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोड पर 0.2 किलोमीटर चली है आज, और हाइपर पर 0.0, बाकी आप देख ही सकते हैं टॉप स्पीड भी आप देख सकते हैं आज की क्या रही है। तो बस दोस्तों कोशिश करते हैं हम स्पोर्ट्स मोड पर इसको मैक्सिमम स्पीड पर चलाने की। तो बस दोस्तों अभी जो हम चले हैं 0.9 किलोमीटर चले हैं, वो भी ऑफ रोड, और आप देख सकते हैं कि 2% बैटरी गिर चुकी है। अब जो बैटरी है वो 98% हो चुकी है, और वो भी स्पोर्ट्स मोड में। तो दोस्तों अभी आप देख ही सकते हैं जो बैटरी है वो हो चुकी है 83%, और जो हमारी गाड़ी है वो 16.7 किलोमीटर चल चुकी है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं जो अभी आप इफिशियंसी देख सकते हैं व्हीकल स्टेटस में हम देखते हैं, तो बैटरी का टेम्परेचर 38 हो चुका है और मोटर का 44, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्कूटर अब कितने किलोमीटर की रेंज हमें बता रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा स्पोर्ट्स में जो है 16.8 किलोमीटर हो गया है। तो ठीक है दोस्तों अभी और गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रहता है स्पोर्ट्स मोड में एवरेज।
तो दोस्तों देख सकते हैं 75% बैटरी हो चुकी है और अभी हम जो चल चुके हैं वो है 21.9 किलोमीटर और वो भी स्पोर्ट्स मोड पर। तो आप देख सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम, बिल्कुल मेन हाईवे पर, दूर दूर तक कोई नहीं। और इसके अलावा अगर हम व्हीकल स्टेटस की बात कर लें तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है टेम्परेचर। और मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा तब हम स्पोर्ट्स मोड पर नहीं चला पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि टेम्परेचर कितना और हाई जाता है। वैसे मौसम को देखते हुए तो नहीं लग रहा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा और अभी आप देख सकते हैं 75%। तो फाइनली दोस्तों आप देख ही सकते हैं 50% बैटरी हो चुकी है और जो हमारा स्कूटर है वो चला है 40 किलोमीटर। और अभी हम बैटरी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो बैटरी टेम्परेचर फ़िलहाल तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड है और मोटर टेम्परेचर है 68.6 डिग्री। अपने राइड की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40.6 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड पर दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं 95 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर मिली है हमें स्पोर्ट्स मोड पर और कंपनी भी यही स्पीड बताती है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कैसा रहता है आगे का हमारा सफ़र। दोस्तों अभी आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी ने लगा दिया है नॉर्मल मोड और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं। रीज़न है उसका ये है बैटरी का टेम्परेचर जो कि हो चुका है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी वजह से जो गाड़ी का मोड है वो हम स्विच नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स और हाइपर पर जैसा आप देख भी सकते हो। तो अभी सिर्फ हम नॉर्मल और इको पर ही चला सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं इस बैटरी के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक का। और इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं अगर मैं मोड वाला बटन दबा रहा हूँ तो अब ये लिखकर आ रहा है मैं मोड को चेंज नहीं कर सकता। तो अभी हम अगर इसके एवरेज की बात कर लें तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 60.5 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, लेकिन अगर हम यहाँ जाएँ अपनी व्हीकल स्टेटस में तो स्पोर्ट्स पर जो इसका एवरेज रहा है वो रहा है 59.4, क्योंकि 0.2 किलोमीटर हम पहले ही चल चुके थे।
तो 59.4 किलोमीटर इसका एवरेज रहा है और यहाँ पर अभी 2% बैटरी और बाकी है नॉर्मल मोड लगने में, क्योंकि 20% पर नॉर्मल मोड लग जाता है लेकिन यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर की वजह से हमारा 22% पर लग गया। तो अगर हम देखें कि ये जो 2% है, ये 2% हमारे स्पोर्ट्स मोड के हैं, और अगर हम अभी जो है 59.4 का हिसाब किताब अगर निकालें तो ये 2% में हमारी जो गाड़ी है वो 1.5 किलोमीटर अभी और चलेगी। तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड पर जो इसका एवरेज है वो है 60.9 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो गाड़ी हमारी स्पोर्ट्स मोड पर चलेगी वो चलेगी 60.9 किलोमीटर, और इसके अलावा जो टॉप स्पीड है वो आप देख ही सकते हैं स्पोर्ट्स मोड की 95 किलोमीटर पर आवर से, और आप टाइम देख ही सकते हैं 11:59 हो चुके हैं, यानी अगला दिन लगने ही वाला है, और अगले दिन के लगने के साथ साथ ही सारी रीडिंग भी यहां से गायब होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, इंतजार करते हैं रीडिंग के गायब होने का, मैं दिखाता हूं आपको क्या रीडिंग गायब होती हैं या फिर इसको लॉक अनलॉक करने के बाद ही यहां से गायब होती हैं। ये देखिएगा दोस्तों, छूम अंतर 12:07 ही सारा डाटा यहाँ से गायब हो चुका है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ जाके देखें तो चलो यहाँ हमारी दिस ट्रिप तो बची हुई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो ओला स्कूटर है वो टोटल कितना चलती है स्पोर्ट मोड में। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ और बताते हैं आपको आगे। तो दोस्तों देख ही सकते हैं अभी जो बैटरी है वो हो चुकी है 15%, और ये देखिएगा मैं मोड वाला बटन दबा रहा हूँ तो ये शायद इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा बैटरी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, नहीं तो यहाँ पे लिख के आता वेरी लो बैटरी कांट स्विच मोड, ये लिख कर आता क्योंकि 15% के बाद हम नॉर्मल स्पोर्ट्स या हाइपर मोड नहीं लगा पाते हैं, सिर्फ इको मोड ही लगा पाते हैं, और अभी इको मोड में 24 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है ये स्कूटर 15% में। और बाकी अगर हम अपनी राइड की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था हमारा, 12:00 है तो अगला दिन लग गया, तो अगले दिन की रीडिंग यहाँ पर आ रही है, और अगर हम अपनी टोटल रीडिंग की बात करें तो 69.3 हो चुकी है। और अभी हम और इसको कम करते हैं अपनी बैटरी परसेंटेज को, और देखते हैं कि हम टोटल कितने किलोमीटर चल पाते हैं।
तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बैटरी हो चुकी है 7% और हम जो टोटल चल चुके हैं वो है 79.3 किलोमीटर, जिसमें जो हम स्पोर्ट्स मोड पे चले हैं वो चले हैं 60.9 किलोमीटर, यानी कि करीब हम इसको 61 मान सकते हैं। तो अगर आप इस स्कूटर को स्पोर्ट्स मोड पर लेकर निकलोगे तो आप जो स्पोर्ट्स मोड है उस पर आप 61 किलोमीटर चला पाओगे, जबकि जो टोटल आप चला पाओगे वो चला पाओगे 79.3, लेकिन अभी इसमें क्योंकि 7% बैटरी है 85 किलोमीटर की रेंज हम इसकी टोटल मान सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बैटरी को कभी भी ज़ीरो नहीं करना चाहिए, 5% पर ही इसको रोक देना चाहिए, 5% के बाद चार्जिंग पर लगा लेना चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड चलाने के उद्देश्य से निकल रहे हो तो ये मानकर चलो कि ये स्कूटर आपको 80 की रेंज तो 100% देगा ही देगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो बैटरी का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, यानी अब नॉर्मल स्पोर्ट और हाइपर मोड लग सकते हैं, लेकिन बैटरी ही इतनी ज़्यादा डाउन है कि फ़िलहाल तो नहीं लग पाएंगे, चार्जिंग के बाद ही कुछ हो पाएगा। मोटर का टेम्परेचर हो चुका है 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी तो मैं वेट करूंगा, इसको अभी मैं चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगा, जब तक इसका टेम्परेचर 32 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तब तक मैं इसको चार्जिंग पर नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो हमारा जो ये रेंज टेस्ट था स्पोर्ट्स मोड पर, तो इसमें हमें ये पता लगा कि गाड़ी जो है 80% पर स्पोर्ट्स मोड पर चलेगी, उसके बाद ये नॉर्मल स्विच होगी और उसके बाद ये इको मोड पर स्विच होगी। तो यानी कि 80% पर जो इस गाड़ी ने एवरेज दिया है वो दिया है 61 किलोमीटर का, और उसके बाद 100% पर जो इस गाड़ी ने बैकअप दिया है वो दिया है करीब 85 किलोमीटर का। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको ये काम भी आई होगी। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अगली जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है नॉर्मल मोड की और उसके बाद होने वाली है इको मोड की। तो अभी दोस्तों करते हैं बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।